हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मंसूरी चैनल्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मसाला पास्ता। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके से हम इसको बनाएंगे, तो देखते रहिए आप वीडियो को। और आप वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हमें जो है पास्ते को बॉयल करके अलग रख लेना है। उसके बाद हमें लेना है एक पैन और इसमें हमने डाला 2 टीस्पून ऑयल। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमन सीड। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई ऑनियन। ऑनियन को हमने बारीक चॉप कर लिया था, एक मीडियम साइज़ की ऑनियन हमने लिए है यहाँ पर। ऑनियन जब यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी, यानी सोते हो जाएगी, ज़्यादा हमें एकदम गोल्डन फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कट की हुई ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिली को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, एकदम हाई ना रखें, नहीं तो ये जल सकता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। तो टमाटर को थोड़ी देर पकने देते हैं। उसके बाद हमने डाला इसमें 1/2 टीस्पून से भी हाफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जितनी आप क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको पकने देते हैं। स्लो फ्लेम कर देंगे, स्लो फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस जो हम डाल रहे हैं वो सिर्फ घर के हैं, बाहर का कुछ नहीं है। इसमें सॉल्ट डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हमने डाला रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ही हमने डाला इसमें हल्दी पाउडर। हम इसमें कुछ भी सोया सॉस वगैरह नहीं डालेंगे, चाइनीज़ मसाला, ये सिर्फ इंडियन स्टाइल में हम बना रहे हैं। अब जो मसाले को थोड़ी देर पकने देते हैं स्लो फ्लेम करके। अब हम डाल देंगे इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता। मैंने पास्ता और मैक्रोनी को दोनों को मिक्स करके बॉईल किया था। पास्ते को हम अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं। और अच्छे से मसाला जब इसको लग जाएगा, देखिए कितना अच्छा कलर हमारा पास्ते में आया है। इसी तरह की अगर आपको वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। पास्ता रेडी हो चुका है, इसको गर्मा गर्म सर्व करें।